6 दिसंबर जो भानु में और कार सेवा गई थी अयोध्या, तो उन्हें शाजापुर से हमारी भी कार सेवा गई थी, उसमें हम 200-200 लोग गए थे साथ में। और वहाँ अयोध्या में 8-10 दिन से हम रुके और रोज़ प्रवचन वहाँ पे होते थे, तो हमको इतने जोश आए, हमको रोज शाम को सुनते थे हम। तो 5 दिसंबर को हमको शाम को बताए कि आज सुबह अपने को जाना सरजू नदी, एक एक मुट्ठी रेत लानी। एक और हमारे गांव का था ईश्वर सिंह गुजर, और हम दोनों सरजू नदी गए। तो 11-12 बजे सरजू नदी एक एक मुट्ठी रेत लाए, और हम उनको विचार आया कि अपन सबसे पहले चलेंगे, आखिर जाएँ अपन। तो हमने कूदने को वहाँ से विचार बनाया हमने, तो दीवार थी, एक दीवार हमने कूदिया, दूसरी दीवार कूदिया, एक कांटा वाली दीवार थी, तो उसमें बहुत ही दलजी के सीट में है, और वहाँ से हम दूसरी दीवार कूदते, तीसरी आखिरी तक मंदिर तक गए हम। मंदिर में गार्ड खड़ी थी, ये बोले कि भैया रामलीला को नशे हटाओ, ये गिर जाएगा, तो ये अंदर दबी जाएगा, तो इसके लिए फिर हमने अंदर गए। पानी की बहुत हमको तस लगी, पानी के वहाँ पर कलश थी रामलीला के, पर रामलीला कलश पानी पिया हमने और उसको पिलाए, और जी का बाद में सतरंगी थी पंडित उनकी, सतरंगी भी हमने उठा के और रामलीला को हमने लीम के पेड़ पर हमने रखी। जी का बाद में 5-50 लोग आए, ये बाबरी पट्टी लिखी थी कि भैया ये पट्टी तोड़नी जरूरी है, तो फिर पट्टी में हाथ नहीं पूछे देख से नीचे करी ना, हमने थोड़ा थोड़ी भी आ गए तो पट्टी तोड़ी, और हमारे साथ वालों को तो निकली गया, जैसे कंथार थी, तो हम ऊपर में ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद में ऊपर उमा जी भी आई, उमा भारती हमारे, बोली नीचे उतरो आप, नीचे तो गिर जाओगा। तो फिर वहीं से जो गिरे तो फिजाबाद तरफ हम गिरे, तो मैं एक दो हमारे साथ में दूसरा कोई था, उसकी कमर टूटी ज़्यादा लगी, और हम सीधा हमारे हमने गाड़ी में डाले, हमको सीधा फैजाबाद ले गए अस्पताल में। और अस्पताल में वहाँ पे डॉक्टर लोग पत्रकार आ गए, और मेरे को भी लगी थी सिर में, और सिर में ज़्यादा नहीं लगी, 4-5-7-1 बजे वापस हमको बोले कि कहाँ आप कहाँ जाने चाह रहे हो, हमने कि हमको जहाँ पे ढांचा हमको वहाँ गिरो वापस छोड़ दो हम। तो हमको 7-8 बजे 9 बजे करीब ढांचा के पास आए हम, वहाँ पे आए जान तक बिल्कुल क्लियर हो गए, ये हमको घटना। अब हम चाह रहे हैं कि हमको रामलीला वापस विराजमान हो रहे, कि हमको वापस हमको मौका मिल जाए। अब ये चाह रहे हैं कि हमको रामलीला हमारा हाथ से वहाँ से उठाए, हमने वापस हमारा हम दर्शन हो जाए, हम वहाँ तक पहुँच जाए। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।